स्वागत है आपका NBC न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शिखा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 200 रुपए ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 1,18,53,00,000 रुपए स्टूडेंट्स को वर्तमान सेशन की यूनिफॉर्म सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं, जो सीधे स्टूडेंट के बैंक खाते में जमा होंगे। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के लिए सेशन की शुरुआत में ही कपड़ा दे दिया था। ये कपड़ा स्कूल से वितरित किया गया, तब सिलाई के रुपए देने का वादा किया गया था। ये राशि राज्य के 5,59,26,620 स्टूडेंट्स को दी जाएगी। ये भुगतान DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के रूप में स्वीकृत किया गया है। किसी भी स्टूडेंट या उसके अभिभावक को नगद राशि नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट का बैंक खाता होने पर राशि सीधे खाते में जमा होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बजट जारी करते हुए सख्त हिदायत दी है कि डायरेक्ट बैंक में ही रुपए जमा होने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तो राशि जारी कर दी, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म सिलाई के रुपए नहीं मिलेंगे। दरअसल DBT योजना के तहत उन्हीं स्टूडेंट्स के खाते में 200 रुपए जमा होंगे जिनके खाते जन आधार कार्ड से लिंक है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के खाते लिंक नहीं है, यहाँ तक कि जन आधार कार्ड ही नहीं बने हैं। ऐसे में ये राशि बैंक खाते में नहीं दी जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए NBC न्यूज के साथ। नमस्कार।